हेलो गेमर्स, तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू वाईआर गेमिंग की एक न्यू वीडियो के साथ। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको फ्री फायर का बेस्ट ऑटो हेडशॉट सेटिंग बताने वाला हूँ, जो अपने मोबाइल एक बार आप अप्लाई करोगे तो उसके बाद आप अपना गेम प्ले देखें मतलब एकदम खुश हो जाओगे। भाई यार, पहले मेरा गेम प्ले ऐसा था, अभी एकदम से इम्प्रूव कैसे होगा? तो इस वीडियो में आप बने रहना। एंड आप कई बार गेम प्ले करते हो तो उस टाइम जब सामने आपके सामने कोई एनिमी आता तो आप वहाँ पर मतलब हेडशॉट को ड्रैग करने की कोशिश करते, जो मतलब फायर बटन है उसको ऊपर के साइड में मतलब ड्रैग करने की कोशिश करते हैं। आप मतलब ट्राई लेते हो कि इसको हेड लग जाएगा बंदे को, लेकिन तब तक वो बंदा आपको हेड मार देता है क्योंकि आपका एकदम हेड सही नहीं पकड़ता। तो इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी सेटिंग जो आपकी मोबाइल में हाइडन है उसको अगर आप इनेबल करोगे तो आपका जो मतलब हेड लगने का चांस है वो 99% तक बढ़ जाएगा, क्योंकि आपके मोबाइल के एक तो सेटिंग जो इनेबल नहीं होता उस कारण से आपका मतलब हेडशॉट है जो बहुत कम लगता है। उसके बाद आपका गेम प्ले काफ़ी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगा। तो इस वीडियो में बनाए रहना वो कौन सा दो तीन सेटिंग है जिसको आप अपने मोबाइल में इनेबल करोगे तो उसके बाद आपका गेम प्ले कैसा होगा वो मैं आगे इस वीडियो में बताऊंगा। तो सिंपली आप बढ़ते अपने मोबाइल की स्क्रीन पर और आपको बताते हैं कौन सा आपको सेटिंग अपने मोबाइल में चालू करना है और उसके बाद आप अपना गेम प्ले जो जरूर चेक करना। तो सिंपली आप बढ़ते अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। तो सिंपली आपको अपने मोबाइल की सेटिंग के अंदर जाना। तो सिंपली मैं अपने मोबाइल का सेटिंग जो सर्च कर देता हूँ, आपको अपने मोबाइल का सेटिंग ओपन करना और वहाँ से आपको अबाउट फोन का एक ऑप्शन मिलेगा, उस वाले ऑप्शन पर आपको टैप करना। हर किसी का मोबाइल अलग अलग होता है तो आप अपने मोबाइल में अबाउट फोन का एक ऑप्शन देख लेना, चाहे आपके पास कोई सा भी मोबाइल होगा। वहाँ पर आपको बिल्ड नंबर देखने को मिलेगा, उस पर आपको 7 बार टैप करोगे तो वहाँ का आपका जो मोबाइल में डेवलपर ऑप्शन है जो इनेबल हो जाएगा। उसके बाद आपको सिंपली यहाँ से आपको एडिशनल सेटिंग या फिर एडवांस सेटिंग आपको मोबाइल मिलेगा, उस पर आपको टैप करना है और यहाँ से आपको डेवलपर ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। देन जैसे आप डेवलपर ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो ये डेवलपर ऑप्शन आपका ऑफ होगा, तो इसको आपको ऑन करना है, फिर ओके पे टैप करना है। उसके बाद जैसे आप ओके वाले पे टैप करोगे तो जो आपके मोबाइल का हाइडन फीचर है जो आपका इनेबल हो जाएगा। उसके बाद सिंपली आपको कुछ नहीं स्क्रॉल डाउन करते जाना, आपको स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ से 2-3 सेटिंग जो यहाँ से आपको इनेबल करोगे तो उसके बाद आपके मोबाइल का जो स्पीड है एकदम फास्ट हो जाएगा। तो उसके आपको सिंपली स्क्रॉल डाउन करते जाना, जो जो मैं आपको यहाँ से एक दिखेगा गेम ड्राइवर परफॉर्मेंस, उस पर आपको टैप करना है और उसके बाद जैसे इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ से आपको आपके मोबाइल जितने भी एप्लीकेशन है वो आ जाएंगे। तो यहाँ से आपको फ्री फायर है जो सर्च कर देना, जैसे नीचे की साइड में आपको बार मिलेगा उस पर क्लिक करना है। यहाँ से सिस्टम ग्राफिक ड्राइवर पे आपको टैप करना होगा। देन जैसे आप इस पर टैप करोगे उसके बाद बैक करना है और नीचे के साइड में जाना है। इससे क्या होगा, सिस्टम ग्राफिक जो आपके मोबाइल का ग्राफिक उस हिसाब से ये फ्री फायर चलेगा, जिसमें आपका मूवमेंट स्पीड है जो थोड़ा मतलब अच्छा मतलब बढ़ेगा, ठीक है, फास्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको सिंपली थोड़ा सा आपको नीचे जाना है और इसके बाद आपको 3 लगातार ऑप्शन मिलेगा, विंडो एनिमेशन स्केल, ट्रांजेक्शन एनिमल स्केल। इसको आपको एनिमेशन स्केल को 5 गुना स्पीड है इसका, आपको तीनों का 5 गुना स्पीड है जो आपको इनेबल कर रहा है। जैसे 5 गुना स्पीड इनेबल करोगे तो आपके मोबाइल में इतना मतलब आपके मोबाइल का मूवमेंट स्पीड है जो बढ़ जाएगा। उसके बाद आप छोटा सा अगर ड्रैग ऊपर के साइड में करोगे फायर बटन को तो आपका सीधा हेड लगेगा, ठीक है। तो इसको आपको इतना सेटिंग इनेबल करने के बाद आपको कुछ नहीं, यहाँ से बैक करना है और बैक करने के बाद यहाँ से आपको एक और सेटिंग करना जिसका नाम है लैंग्वेज और इनपुट, जहाँ पे आपके मोबाइल का कीबोर्ड वगैरह रहता है उस पर आपको जाना है, लैंग्वेज और इनपुट वाले ऑप्शन पर जाना है और वहाँ आपको मिलेगा कीबोर्ड, यहाँ से लैंग्वेज और इनपुट पर जाकर कीबोर्ड माउस एंड ट्रैक पैड आपको ऑप्शन मिलेगा। इस ऑप्शन पर आपको टैप करना है, यहाँ से पॉइंटर स्पीड है इसको आपको आधा होगा, इसको आपको पूरा 100 कर देना है, ठीक है। पॉइंटर स्पीड होगा उसको आपको 100 कर देना, ठीक है। 100 करके आपको ओके पे क्लिक करना है। उसके बाद सिंपली कुछ नहीं, अपने मोबाइल को एक बार रीस्टार्ट मारना मतलब बंद करके चालू कर देना। तो सिंपली मैं अपने मोबाइल को रिपोर्ट कर देता हूं और उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। और इसी के साथ इतना आपको सेटिंग अप्लाई करना है अपने मोबाइल जो हाइडन सेटिंग, इसको आपको इनेबल करना है और उसके बाद अपने मोबाइल को बंद करके चालू करके फिर आपको यहाँ से फ्री फायर को ओपन करना है और आपको उसके बाद ऑटोमेटिक पता चल जाए कि आपका पहले का गेम प्ले और आपके गेम प्ले में कितना आपको इम्प्रूव मिला, मतलब कितना आपको डिफरेंस मिलेगा, आपको ऑटोमेटिक ही पता चल जाएगा, यहाँ पर आपको कहने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद साथ ही साथ में आपका गेम प्ले पहले से कितना इम्प्रूव है वो हमें कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर बताना, ताकि हमें पता चलेगा कि ये ट्रिक आपके लिए काफ़ी सारी हेल्पफुल रहेगी
मिलेगी। अगर आप इसी तरह की और फ्री फायर की ट्रिक देखना चाहते हैं, मतलब इसी हेडशॉट या फिर और मतलब फ्री फायर की टिप्स एंड ट्रिक देखना चाहते हैं, तो इसके लिए आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर इसी के साथ अगर आप इस वीडियो पर पहली बार आए और इसी चैनल पर भी पहली बार आए, तो सबसे पहले तो आपको इस वीडियो को लाइक करना है और उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करना है, फिर बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पे ऑन करना है, ताकि आपको आने वाले फ्री फायर की ओल्ड टिप्स एंड ट्रिक एंड फिर अपडेट्स के मतलब जो वीडियो आपको अपने चैनल पे मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं किसी फ्री फायर के नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक लिए जय हिंद।